बाद न्यूज लाइव एसआर में आपका स्वागत करेंगे और बात करेंगे उदयपुर संभाग की। यहाँ पर बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का कहर टूटा है। जी हाँ, आदिवासी इलाकों में खासतौर पर हम गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा कोटड़ा में मौसमी बीमारी के चलते 21 लोगों की मौत की खबर है। वहीं सैकड़ों लोग अब भी बीमारी की चपेट में है। इन इलाकों में लोगों के इलाज का इंतजाम भी नहीं है। आए दिन किसी न किसी घर में कोई न कोई मौत होती रहती है। इलाके में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। इस मामले को लेकर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और चिकित्सा विभाग पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बीजेपी को जब वोट की दरकार होती है तो वो इन इलाकों की ओर चली आती है, और जब यहाँ के लोग बदहाली और बीमारी का शिकार होते हैं तो उनका सही इलाज तक नहीं कराया जाता। मुझे तकलीफ हुई कि यहाँ जब तीन मौतें हो गई और तीन मौतें होने के बाद में पास का जो गांव है वहां पर कुरा, सिली, पांचपोरा, वंडा का एरिया, और वहां पर जो 14 मौतें हो गई, 17 मौतें इस एरिया में हो गई, और पास का जो पावा गांव है वहां पर 4 मौतें और हो गई। इस तरह से लगातार इस एरिया में मौतें होती रही, परंतु सरकार ने सुध लेने का काम नहीं किया। यदि समय पे सुध देने का काम होता तो मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं होती। हम लोग आए हैं गाँव में, लोगों से चर्चा करी है, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे पिछले 10 दिनों से लोगों के बीच में है, किस प्रकार की मृत्यु हुई, डॉक्टरों को लाने का काम भी हमारे कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। अगर इन तरीकों को अगर इस तरीके से नजरअंदाज किया गया तो धरना प्रदर्शन के मार्फत हम इस पंचायत समिति का, तहसील का घेराव करने का काम करें। और बड़ी खबर आ रही जयपुर से, जहां गोपालपुरा बाईपास को जेडीए द्वारा तोड़ने के मामले पर